Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Next topic is cell membrane. Detailed structure of membrane कब study हुई थी? After the invention of electron microscope. All living cells, जितने भी living cells हैं, चाहे वो eukaryotes हो या prokaryotes, सबके पास cell membrane होती है. और वो cell membrane कैसी होती है? Double layer. किसकी बनी होती है? Phospholipid bilayer की. ये ensure करती है that एक head होगा और एक tail होगी. Head होता है polar towards the outer side and hydrophobic tail is towards the inner side. कैसा structure होता है ये? Hydrophobic tail and hydrophilic head. एनिमल membranes जो होती हैं वो cholesterol भी contain करती हैं. Cell membrane also possess protein and carbohydrates. Phospholipids तो होते ही हैं, साथ में proteins और carbohydrates भी present होते हैं. इनकी जो ratio होती है protein and lipid की, ये vary करती है different different cells में और different different cell types में. Human beings के जो erythrocytes होते हैं, means RBCs, red blood cells, उनमें approximately 52% protein and 40% lipids होते हैं. Membrane proteins को दो categories में categorize किया है, integral and peripheral, based on the position वो कहां present है. अगर lipid bilayer के center में present है या बीच में present है, देन उन्हें इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे. एंड अगर पेरिफेरी में प्रेजेंट है तो पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे. फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का? सेपरेट करता है सेल को फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड कंट्रोल करता है सेलेक्टिव सब्सटेंसेस के एंट्री और एग्जिट के लिए. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने फॉर सेल मेम्ब्रेन. क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर. ये जो है इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी. सिंगर और निकोलसन ने क्या बताया? दैट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, फॉस्फेट हेड होता है एंड फैटी एसिड की टेल होती है. बीच में चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, जिन्हें इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं. ये कहाँ प्रेजेंट होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में. एंड इफ पेरिफेरी में प्रेजेंट हो देन उसे पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं. कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन्स मींस शुगर्स अटैच्ड विद प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती है. सो ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर.